कक्षा में आठवें दीपोत्सव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर 28 लाख दीपक में तेल और माटी भी डाल चुके हैं। बस अब कुछ ही घंटे बाद पूरे दुनिया की निगाहें धर्म नगरी अयोध्या पर टिकी रहेगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर सभी तैयारी पूरी कर चुके हैं। हमारे साथ अवध यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कैसी तैयारी चल रही है और कब प्रज्वलित होगा ये। सबसे पहले कि अवध विश्वविद्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंशानुरूप दीप दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां 25 तारीख से वॉलंटियर 30,000 वॉलंटियर राम की गाड़ी पर उपस्थित है और आज दीप दीपोत्सव में 30,000 वॉलंटियर्स जो राम की गाड़ी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए हैं और दोपहर से बाती लगाने का काम शुरू कर दिया है और तेल भी डाले जा रहे हैं कि देर शाम तक प्रज्वलित किया जाएगा और निश्चित है कि एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। सर, खास बात ये है दीपक का ही नहीं, इस बार सरयू की महाआरती का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा पता चला है कि 1100 लोगों के द्वारा सरयू आरती, मतलब कहने का मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं और दीपोत्सव अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहेगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला जो एक टारगेट 25 लाख का दिया गया था, हमारे वॉलंटियर्स 28 लाख दिए बिछाए, निश्चित है कि पुनः बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। लेकिन सर, 28 लाख दीपक जब प्रज्वलित होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम गणना भी करेगी, विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा, पूरी नगरी त्रेता युग भी नजर आएगी, लेकिन जलने के बाद इस दीपक का क्या किया जाता है? देखिए, सबसे पहला तो हम सभी अयोध्या से रिलेटेड है और प्रभु श्री राम सभी के हैं। दीप प्रज्वलित होने के बाद जिला प्रशासन के साथ नगर निगम, क्योंकि इस दीपों को अपने जो स्वच्छता टीम बनी हुई है उनके द्वारा इसका निस्तारण किया जाएगा। अच्छा सर, कैसा लग रहा है इस बार का दीपोत्सव? आप पिछले 8 वर्षों से आ रहे हैं यहाँ अवध यूनिवर्सिटी, 8 वर्षों से अपना वॉलंटियर बेस किया, अवध विश्वविद्यालय हर वर्ष अपना रिकॉर्ड तोड़ते, इस बार क्या खास लग रहा है? देखिए, खास तो अपने आप में यही है कि अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स और विश्वविद्यालय के कुलपति जी के दिशा निर्देशन में, क्योंकि ये 8वां दीपोत्सव है और हम 7वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने जा रहे हैं और खास इसलिए, सबसे बड़ा खास इसलिए है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद का यह पहला दीपोत्सव है, इसलिए हम लोग के लिए काफी खास है और हमारे वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं कि 25 तारीख से लेकर आज तक सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने में जय श्री राम की जय घोष के साथ ये दिए बिछा रहे हैं, अपनी धूप में भी वो मेहनत कर रहे हैं, किसी से इनके उत्साह के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। थैंक यू सर। 28 लाख दीपक, 30,000 वॉलंटियर, जय श्री राम का उद्घोष, पूरी नगरी त्रेता की तरह नजर आ रही है। अयोध्या से न्यूज 18 डिजिटल के लिए सर्वेश श्रीवास्तव।